तो आज जो हो रहा था वापस, आज आप चाह रहे थे कि सारे लोग कन्फ्रंट करें कि उनको शायद कुछ पता हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि वो लोग बड़ी चालाकी से उस चीजों को इग्नोर करते नजर आए और ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्हें जिसे कुछ पता ही नहीं है? देखिए, असलियत में तो मुझे पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। स्क्रिप्ट वाइज आई थिंक ये उसको सिर्फ शक है युवराज को रणतेज पे, क्योंकि रणतेज की हरकतें हमेशा से ही ऐसी हैं, आड़ी टेढ़ी रही हैं, और युवराज हैज़ ऑलवेज कन्फ्रंटेड कि मत करो ये सब। लेकिन युवराज अपने ताऊजी पे बहुत भरोसा करता है और वो जो कहते हैं उसे मान लेता है। तो इस बार भी वही है कि बेसिकली उसको शक था रणतेज ने किया है, और उसे बोलता भी है कि अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगा कि जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा हाथ है तो वो सही नहीं होगा, लेकिन ताऊजी के कहने पे उसे छोड़ देता है। बट आई थिंक इट्स मोर देन अ कन्फ्रंटेशन, इट्स जस्ट द फील कि उसको लगता है इसी ने किया है, और वो ओवरऑल ऐसा बोला जाता है उसे कि उसने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप अनुष्का को हेल्प करते नजर आने वाले हैं, किस तरह से? मैं तो अभी तक हेल्प ही कर रहा हूँ सबकी, मैं तो बहुत ही हेल्पफुल किस्म का इंसान हूँ इस शो में। बट हाँ, बेसिकली क्योंकि उस लड़की को मेरी मैं बचा नहीं सका जो उसकी बहन थी, और वो गिल्ट है इस आदमी के अंदर आज भी कि वो बचा नहीं सका उसे। तो आई थिंक ही विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड ऑफ हेल्पिंग हर सिस्टर की, ताकि वो उसके कातिल तक पहुंच सके, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स द राइट थिंग, एंड युवराज हमेशा राइट चीज़ों का ही साथ देता है। आई थिंक दैट विल, दैट इज व्हाट विल हैपन। थैंक यू।